नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इग्नो स्टूडेंट्स हेल्प में। और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है MHI 09 का यूनिट नंबर 2। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से वायलेंस और नॉन वायलेंस का रोल रहा एंटी कॉलोनियल नेशनल मूवमेंट में, और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज क्या थी, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल ओरिजिन्स के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे नेशंस, नेशनलिज्म एंड पार्टीशन ऑफ स्टेट्स और इकोनॉमिक कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जितने भी हिस्ट्री के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं हम सब यहाँ पे कवर कर रहे हैं पूरे डिटेल में, और कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारा कुछ डिटेल में बता दिया जाए ताकि आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आपका टाइम बच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है नेशंस, नेशनलिस्ट एंड द पार्टीशन ऑफ स्टेट्स। अब देखो, जब यूरोपियन कंट्रीज आई अफ्रीका में चाहे एशिया में, उन्होंने क्या किया, सीधा सीधा टेरिटरीज एक्वायर करने लग गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हाँ इस रीजन में कौन से लोग रहते हैं, कौन से एथनिसिटी के या कौन से लैंग्वेज के, है ना, या किस ट्राइब से हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ अपना अपना कब्जा करने की होड़ मचा दी आपस में। जैसे सॉरी फ्रेंड्स, जो 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 मेजर पावर्स थी वो कौन कौन सी, ब्रिटिशर्स थी, फ्रेंच थे, पुर्तगाली थे, डच थे, है ना। इन लोगों ने आपस में सिर्फ होड़ मचा दी एरिया को एक्वायर करने की, और इन्होंने कुछ नहीं देखा, लोकल्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तो इससे लोकल्स का बहुत इफेक्ट हुआ, क्योंकि कुछ लोग जो बिल्कुल ही एक एथनिक कल्चर के थे, ट्राइबल के थे या लिंग्विस्टिकली जुड़े हुए थे, वो कोई डच के अंदर आ गया, कोई फ्रेंच के अंदर आ गया, कोई ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया, है ना। तो बिल्कुल बट गए, उन पे अलग अलग रूल्स होने लग गए, अलग अलग लाइफ हो गई। हालांकि लाइफ तो ऑलमोस्ट एक जैसी ही थी उनकी, लेकिन फिर भी अंतर आया था, अंतर बहुत ज़्यादा था। और अंतर इस तरीके, अभी रिसेंटली एक स्टडी भी की गई, उसमें देखा है कि ब्रिटिशर्स ने जो स्ट्रेटजी अपनाई अफ्रीका में वो इस तरीके से बनाई कि कोई भी एंटी कॉलोनियल कॉलिशन नहीं बना पाए अफ्रीकन लोग, जैसा कि इंडिया में बना था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वही सेम इंडिया वाली डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वहां भी लगाई और एक एथनिक ग्रुप को दूसरे एथनिक ग्रुप के अगेंस्ट लड़ाया। और ये यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि मिलिट्री में भी अलग अलग तरीके के लोगों को भर्ती किया, जैसे नाइजीरिया में ट्यूब लोगों को ज़्यादा उन्होंने भर्ती किया, युगांडा में आचोली को, और केन्या में कांबा लोगों को ज़्यादा भर्ती कर दिया। और ब्रिटिशर्स ने एक और चीज़ अफ्रीका में की कि उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली रूल नहीं किया जैसे इंडिया में कर रहे थे, उन्होंने इनडायरेक्टली यूज़ किया, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर थी अथॉरिटी की उसको यूज़ करते हुए उन्होंने इनको यूज़ किया। फिर फ्रेंच के अंडर जो कॉलोनीज थी उन्होंने क्या किया, फ्रेंच बिलीव करते थे ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में, तो उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि हाँ भाई सब ग्रेटर फ्रांस के लोग हैं, तो अपना कल्चर तक छोड़ दो, लैंग्वेज तक छोड़ दो। और आप देखोगे ज़्यादातर जहाँ जहाँ फ्रेंच ने राज किया वहाँ के लोगों की लोकल लैंग्वेज वगैरह ख़त्म हो गई, आज वहाँ लोग फ्रेंच बोलते हैं, बस उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज क्या थी वो नहीं जानते अफ्रीकन लोग, या थोड़ा मोड़ा बचा होगा लेकिन यूज़ ऑफिशियली फ्रेंच ही लैंग्वेज करते हैं वो, बहुत सारे अफ्रीका के देश हैं। तो ऐसा स्टडी में देखने को आया कि एथनिक कंपटीशन जो ब्रिटिशर्स के अंदर था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी। अब देखो ब्रिटिशर्स ने जहाँ भी गए वो डिवाइड कर देते थे कंट्रीज को, जैसे आयरलैंड को किया, इंडिया को किया, पैलेस्टाइन को किया, और पावर कर देते थे किसको, नेशनलिस्ट लीडर्स को दे देते थे। और ब्रिटिशर्स कोशिश करते थे कि पीसफुली वहाँ से निकल जाए नेशनलिस्ट के हाथ में पावर देके, लेकिन फ्रेंच ऐसा नहीं थे, फ्रेंच का अलग ही हिसाब था, फ्रेंच का काफ़ी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाद वो वहाँ से निकले। और अफ्रीका में तो क्या हुआ कि फेडरेशंस बनना शुरू हो गई, है ना, रीजन्स की। तो ऐसा हर जगह था, इवन एशिया में भी ऐसा हुआ, फेडरेशंस वगैरह बनी, यूरोप में भी, सॉरी यूरोप में, वेस्ट एशिया में भी हुआ, वैसे ही अफ्रीका में भी फेडरेशन बनी नेशंस की। तो ये कुछ एक कुछ तो ये फॉर्मल कॉलोनीज के सपोर्ट से बनती थी या खुद भी बनाते थे जब कॉलोनीज कॉलोनियल पावर वहाँ से हट जाता था। तो ऐसा ही एक सेंट्रल अफ्रीकन फेडरेशन 1963 में सामने आता है, लेकिन वो फेल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि युगांडा, तंजानिया, केन्या अलग अलग हो जाते हैं। अब देखो तो वर्ल्ड वार टू के बाद क्या हुआ कि साउथ ईस्ट एशिया में खास करके
नेशनल मूवमेंट बहुत जोर पकड़ रहा था, स्ट्रेंथ पकड़ रहा था, और कॉलोनियल अथॉरिटी का भी ब्रेकडाउन हो गया था, है ना, और इंटर कम्युनिटी जो भी यहाँ रिलेशंस थे वो अच्छे हो गए थे। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि हाँ भी सेंसिबली अपने आप को यहाँ से रिट्रीट कर लिया जाए, वही बेटर है। लेकिन अफ्रीका में ये लोग रिट्रीट नहीं करते, और वहाँ ये लोग क्या करते हैं, अभी भी रहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो यूज़फुल थी उनके लिए। और कॉलोनी क्यों छोड़ना चाहेगा, कोई भी कॉलोनी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि फ्री का माल मिल रहा था उनको वहाँ से। तो इन लोगों को अफ्रीका से बहुत कुछ मिलता था, जैसे टीन मिलता था, रबर, कोकोआ, टी, बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स थे जो पोस्ट वार के बाद भी ब्रिटिश को मिलता रहा। तो इसलिए वहाँ जल्दी आज़ादी इन्होंने दी नहीं। बट 1960s के ज़माने में, खास करके 1956 में जब स्वेज क्राइसिस होता है, तब समझ में आया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंथनी एडन को कि हाँ अब हमारा दिन लद गए हैं इंपेरियलिज्म के पूरे। तो अब देखो, नेशनलिज्म का जो नोशन था ये किन्होंने प्रमोट किया था, कॉलोनियल पावर्स ने ही प्रमोट किया था। और अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें तो देखो, इन्होंने मलेशिया जो था, वहाँ ग्रेटर मलेशिया था, वो किसके अंडर में था, ब्रिटिशर्स के अंदर में था। तो वहाँ के एक मलय लीडर थे जिनका नाम था तंकू अब्दुल रहमान, तो वो भी इसका सपोर्ट करने लग गए कि ठीक है ग्रेटर मलेशिया ही रहेगा। 1961 में जैसे सेंट्रल अफ्रीकन फेडरेशन था, वैसे यहाँ भी फेडरेशन टाइप में ग्रेटर मलेशिया की बात की गई। अब ग्रेटर मलेशिया में सिंगापुर भी आना था, साथ में बॉर्नियो आइलैंड्स वगैरह आना था। तो हालांकि वो चाहते नहीं थे, है ना, टांकू चाहते नहीं थे कि सिंगापुर आए, बट उन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो 1963 में इस तरीके से एक कोलिशन बनता है, और जो सिंगापुर के लीडर थे ली क्वान यू, वो भी इस के लिए मान जाते हैं फेडरेशन के लिए, क्योंकि उनको डर था कि कहीं यहाँ कम्युनिज्म ना फैल जाए 1963 में। तो 1963 में जब ये बनता है एक फेडरेशन, लेकिन बाद में 2 साल बाद ही सिंगापुर इससे बाहर आ जाता है, 1965 में अलग हो जाता है। तो ये था पूरा आपका इसके बारे में, सेपरेशन वगैरह, पार्टीशन ऑफ स्टेट्स वगैरह के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ इकोनॉमिक कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट्स। तो देखो, कॉलोनियल एक्सपेंशन का मोटिव था क्या, उसका मोटिव सीधा सीधा था कि रॉ मटेरियल मिले हमें, इंडस्ट्रियल अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट मिल जाए, है ना, इन्वेस्टमेंट की जगह मिल जाए, यही सब था। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो थे उनको एशिया अफ्रीका दोनों से मिलते थे, और इन्होंने दोनों जगह बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया। ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट था वो सिर्फ इंडिया पे ही एप्लीकेबल नहीं था, वो हर जगह था। ठीक है, अब देखो, डच ने तो जो इंडोनेशियन आर्चिपेलागो था वहाँ एग्रीकल्चर का इतना कॉमर्शलाइजेशन किया कि आप पूछो मत। वहाँ इंडोनेशिया से जो रिसोर्सेज जाते थे, ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज जो इंडोनेशिया से डच होता था वो इंडिया से ज़्यादा होता था। अब सोचो, हम कह रहे हैं इंडिया से बहुत ज़्यादा होता था, वहाँ इंडोनेशिया आर्चिपेलागो में तो इंडिया से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोपियन ने ही नेचुरल रिसोर्सेज का दूसरी कंट्री का यूज़ किया, इवन जापान जब पावर में आता है बाद में तो उसने भी कोरिया, मंचूरिया और चाइना का खूब रिसोर्सेज यूज़ किया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या कि जब इंटेंस एक्सप्लॉयटेशन किया गया पीजेंट प्रोड्यूसर्स का, तो इससे उनकी परचेसिंग पावर घट गई, है ना। परचेसिंग पावर घट गई तो अब वो जो इनकी मार्केट थी मैन्युफैक्चर गुड्स की, वो एक्सपेंड नहीं हो पाती। अब ये उस मार्केट को बचाने के लिए, कि डोमिनेंट बनाए रखने के लिए, इन्होंने क्या किया, नई चाल चली इन्होंने, और लोकल मार्केट डेवलप ना हो पाए इसके लिए नई चाल चली क्या, फ्री ट्रेड पॉलिसी ले आया ब्रिटिशर्स, ठीक, 19th सेंचुरी में। और वो लीडिंग एक्सपोर्टर था ब्रिटिशर उस ज़माने में, टेक्सटाइल का, रेलवे इक्विपमेंट का, स्टील का, मशीनरी का। हालांकि कुछ एक नई इंडस्ट्रीज भी आ रही थी, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी और मोटर ट्रांसपोर्ट की, लेकिन इनका एशिया अफ्रीका में इतना ज़्यादा था नहीं। तो इससे हुआ क्या कि इंडिया और साउथ अफ्रीका में जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग क्लास था उसने रिवेल किया कि हाँ यार ये तो फ्री ट्रेड भी कर देंगे और कंपटीशन भी नहीं रहेगा, जीरो ही कर दिया सब कुछ, सब अपने ही फेवर में पॉलिसी बना रहे हैं, तो इससे तो हमारा तो कुछ भी नहीं होगा, तो हम तो बर्बाद हो गए, हम तो मतलब कमा ही नहीं सकते किसी भी एंगल से। तो उन्होंने फिर नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करना चालू कर दिया, इंडिपेंडेंस के लिए, नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए।
फिर 1930s में एक डिप्रेशन का टाइम आता है, ठीक है। उस ज़माने में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट था वो थोड़ा घट जाता है, ठीक। मतलब ब्रिटिश एक्सपोर्ट का मतलब ब्रिटेन से एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन तो कॉलोनीज में रहा था, तो कॉलोनीज में इम्पोर्ट थोड़ा कम हो जाता, आप ऐसे भी कह सकते हो 1930s के ज़माने में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो इंडिजीनियस को, इंडस्ट्रीज़ को उभरने का मौका देती है। लेकिन जो एक्सपीरियंस था ना ड्रेन ऑफ वेल्थ का, और जो इंडिजीनियस एलाइट्स कोलैबोरेट करते थे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, कॉलोनियल पावर के साथ, तो उससे ना लोगों में एंटी कैपिटलिस्ट, एंटी लैंडलॉर्ड और एंटी एलिट का एक बहुत ज़्यादा हो गया था। अब देखो तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, लैंड रेवेन्यू बहुत हाई असेसमेंट किया था, रेलवे बना रहे थे जहाँ इंडिजीनियस रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, पॉलिटिकल अलायंस कर लेते थे कॉलोनियल रूलर्स एक्सप्लॉयटिव इंडिजीनियस एलिट्स के साथ, और एग्रीकल्चर कॉमर्शियलाइजेशन किया, इससे लोग पर कैपिटा इनकम थी, डिजास्ट्रस फेमीन हुआ, ये सब के सब चीज़ें एक साथ की इन्होंने 1930s में। अब इससे क्या हुआ कि जो पुअर पीजेंट और ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी पीपल थे, ये लोग क्या करते हैं फिर नेशनलिस्ट के साथ मिल जाते हैं कि हाँ अब इनको कॉलोनियल सिस्टम को यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये हर देश में हुआ फ्रेंड, हर देश में हुआ, जहाँ जहाँ भी, अफ्रीका में भी हुआ, एशिया में हुआ, बट आपको लग रहा होगा जैसे ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा ही हुआ है, ठीक है। अफ्रीका में तो इन लोगों ने क्या किया कि उनको मेज पे डिपेंडेंस करा देते हैं बहुत ज़्यादा, इतना कॉमर्शियल प्रोडक्शन करवाया मेज का कि वहाँ अफ्रीकन फूड जो थे डिपेंडेंट हो गए, मेज पे फुल्ली डिपेंडेंट हो गए, और इसका खामियाजा फिर उनको इंडिपेंडेंस के बाद चुकाना पड़ा क्योंकि ओवर डिपेंडेंस ऑफ मेज पे हो गया, मेज की फसल बेकार हो गई तो फिर वो और कुछ था नहीं उनके पास खाने पीने के लिए। और उस ज़माने में इतना एग्रीकल्चर साइंस भी ज़्यादा डेवलप नहीं था, 1950-60s की बात करें तो। फिर आपका जो था अली मारूजी 1980s में ना, उसने प्रपोज किया कि अफ्रीका में जो सोशल क्लास का है एवोल्यूशन नहीं हुआ, जिससे कि क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के लिए नेशनल मूवमेंट में ज़्यादा लोग आ नहीं पाए सामने। अब कोई भी पॉपुलर मूवमेंट के लिए क्या होता है, किस चीज़ के बेस चाहिए, कोई कॉमन ग्राउंड चाहिए ना। नॉर्मली कॉमन ग्राउंड क्या होता है, किन होता है, क्लान बेस्ड एथनिक एंड ट्राइबल आइडेंटिटी होती है ना। और लेकिन ये हो नहीं पाया वहाँ पे, वहाँ पे स्ट्रगल क्या था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज के अगेंस्ट था, लेकिन मेन जो था वहाँ पे क्या था, लोगों का रेशियल एनोमिसिटी था, रेशियल जो था ना वहाँ भेदभाव बहुत ज़्यादा था, रंग को लेके भेदभाव बहुत ही ज़्यादा था, अपार्थिड अपार्थिड आप कह सकते हो, रेशियल अपार्थिडिज्म बहुत ज़्यादा था, उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अफ्रीका में उठती है बात एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के। अब आप देखो तो ज़्यादातर जो एग्रेरियन कैपिटलिज्म और एलिट्स थे वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर के कॉमर्शलाइजेशन से उनको फ़ायदा होता था, ठीक है। तो वो नेशनलिज्म को इसलिए प्रमोट करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि हाँ हम इसको और ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अगर ये यूरोपियन कंट्रीज यहाँ से चली जाएँ तो ये और हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और हम इसका और ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। इसका एग्जाम्पल है आपका इजिप्ट और इराक में, जो पावरफुल लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने नेशनलिज्म को खूब प्रमोट किया, और उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि कोई भी पावरफुल पीजेंट मूवमेंट ना आए और वो ताकत में ना आए और ये ताकत हमेशा हमारे पास ही रहे। ऐसे ही टर्की और ईरान में भी हुआ, ठीक है। जिन लोगों के हाथ में लैंड का कंट्रोल था उन लोगों ने नेशनलिज्म को खूब सपोर्ट किया और बाद में इस चीज़ का एक्सप्लॉयटेशन किया। हालांकि जो मिडिल क्लास, पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था, वो इस चीज़ के भी अगेंस्ट था और वो नॉर्मली सोशलिज्म और कम्युनिज्म में तरफ मुड़ जाते हैं। इंडिया में तो आप जानते हो कि पीजेंट मूवमेंट ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, जैसे नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई भी मूवमेंट के लिए बुलाती थी तो नॉर्मली वो वायलेंट ही हो जाता था कहीं ना कहीं। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स होते थे कि पीजेंट्स के, और ट्राइबल मूवमेंट्स जो कि आउट ऑफ मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट था, जो बहुत ही ज़्यादा कई बार वायलेंट हो जाता था वो। लेकिन ओवरऑल जो इंडिया का नेशनल मूवमेंट था वो पीसफुल था और वो गांधीन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए स्ट्रगल करते थे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था वो मल्टी क्लास मूवमेंट था, तो जिससे कि बाद में सक्सेसफुल डेमोक्रेसी
आती है ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक, अब चाइना की बात करें तो चाइना में देखो एंटी जापनीज वार हुआ, ठीक है ना, वो भी किस पे बेस्ड था, पीजेंट बेस्ड था, पीजेंट बेस्ड मूवमेंट था। चाइनीज मूवमेंट जो था वो माओ के पॉप आइडिया था एक, जो कि कहता पॉपुलर फ्रंट का, उस पे बेस्ड था, और वो इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट थे, इंपेरियलिज्म के भी अगेंस्ट थे और आइडिया ऑफ न्यू डेमोक्रेसी के भी वो अगेंस्ट थे। अब देखो कुछ एक कंट्रीज थी जिन्होंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म को ऊपर रखा, तो उनके इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। अब इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, ताइवान कह सकते हो। अब इसमें कोल्ड वार का भी एक रोल, आप देखो कोल्ड वार के कारण यूएस ने क्या किया, इनमें खूब इन्वेस्टमेंट की, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान में, जिससे कि इनका खूब तरक्की हुई, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई, है ना। और वो ग्रोथ किस फॉर्म में आई, एग्रेरियन फॉर्म में, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन में, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। लेकिन अफ्रीका में इस कोल्ड वार का जो था पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस कुछ सामने नहीं आता है, वहाँ उल्टा क्या होता है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप समय दिखती है, इलिटरेसी दिखती है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स दिखते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वार कॉमन जो कोल्ड वार था उसका असर भी अलग अलग जगह अलग अलग देखने को हमें मिलता है। तो ये था फ्रेंड आपका पूरा चैप्टर, होप आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, हमने पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल में पूरा बताया जाए जो भी आपकी किताब में मेंशन है। और इसका पार्ट वन मैं आपको लिंक पे मेंशन कर दूंगा, इस चैप्टर का पार्ट वन भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।